कला के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सहायक आचार्य चित्रकला राजकीय महाविद्यालय बूंदी, मैं आज आपको कला सामग्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कला सामग्री के रूप में आपके समक्ष ये सब यहाँ पर है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल की। विद्यार्थियों, यह HB पेंसिल है, ध्यान से देखिए आप इसको। जनरली हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये लाइट चलती है, इरेज करने में सावधानी रहती है, इजीली होती है। उसके अलावा विद्यार्थियों, 2B पेंसिल देखिए आप, ये 2B पेंसिल है। इसकी नोक कठोर होती है, बारीक काम करने में और डार्क काम करने में ये प्रयोग में लाई जाती है। विद्यार्थियों, ये 3B पेंसिल देखिए आप, थोड़ी मोटी होती है, मुलायम होती है, मोटे टेक्सचर देना, डार्कनेस का काम करना उसमें प्रयोग में लाई जाती है। उसी तरह 4B पेंसिल देखिए आप, ये 4B पेंसिल है, ये और ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डार्क होती है, विभिन्न प्रकार के टेक्सचर देने के साथ साथ जहाँ गहरा वाला हिस्सा हमको दिखाना है उसके लिए यह प्रयोग की जाती है। विद्यार्थियों, पेंसिल के रूप में मैं बताने जा रहा हूँ आपको 6B पेंसिल देखिए अभी। ये सबसे ज़्यादा डार्क होती है, मोटी भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, गहरे वाले हिस्से के लिए इसको ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। मोटे टेक्सचर देना या जल्दी से काम करना है तो 6B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इनको छीलने के लिए शॉर्पनर का प्रयोग किया जाता है। जनरली आप इसके बारे में जानते हो कि इरेजर है, विभिन्न प्रकार के इरेजर नॉन डस्ट वाले बाजार में उपलब्ध है। विद्यार्थियों, इनको छीलने के लिए नाइफ, विभिन्न प्रकार के नाइफ बाजार में मिल जाएंगे आपको। ये देखिए आप ध्यान से, ये अलग अलग साइज के हैं। पेंसिल छीलने के साथ साथ जो बाजार से आप शीट खरीद के लाओगे उसके टुकड़े करने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। विद्यार्थियों, पेंसिल के रूप में हम बात करते हैं चारकोल पेंसिल की। आप चारकोल पेंसिल देखिए, ये अलग अलग शेडेज में मिलती है। इस तरह लाइट होती है, डार्क होती है, मीडियम होती है। जो लाइट होती है वो कठोर होती है, मीडियम होती है वो कम कठोर होती है, और जो सबसे ज़्यादा डार्क होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इनको छीलने के लिए अक्सर हमको इस तरह छोटे साइज के चाकू या बड़ी साइज के चाकू नाइफ इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। इनसे ही छीला जा सकता है। अगर हम इससे छीलेंगे इसकी नोक टूट जाएगी, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। पेंसिल के बाद में हम बात करते हैं ब्रश की। विभिन्न प्रकार के ब्रश हैं यहाँ पर, आप देखिए। सबसे पहले मैं बड़ी साइज की ब्रश दिखाने जा रहा हूँ आपको। आप ये ब्रश देखिए, हमको अगर बड़ी साइज की पेंटिंग बनानी है तो बड़ी साइज के ब्रश यूज करने हैं, या शीट पे कलर पोतना है बड़ी साइज में, या दीवार पे पोतना है, या कैनवास पे पोतना है, तो उनके लिए इस तरह हम अलग अलग साइज के बड़ी साइज के ब्रश यूज कर सकते हैं। उसी तरह आप ये हो गया ब्रश देखिए, अलग अलग साइज के सॉफ्ट है, विभिन्न प्रकार के आप इनसे टेक्सचर दे सकते हो। ज़्यादातर ये ब्रश हमको ऑयल पेंटिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी तरह हो गया ब्रश, आप ये देखिए, ये कड़क बाल वाले, इनका इंप्रेशन जब कलर में प्रयोग करते हैं तो अलग नज़र आता है। उसी तरह अलग अलग कंपनी के, अलग अलग वेराइटी के हो गया ब्रश बाजार में उपलब्ध है। ये मीडियम साइज की ब्रश है। जनरली लाइफ स्टडी या कंपोजिशन बनाना या मॉडर्न पेंटिंग बनाना ऑयल कलर से या एक्रेलिक कलर से, दोनों के लिए आप प्रयोग में ला सकते हो। विद्यार्थी, इन ब्रश को आप ध्यान से देखिए, ये ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है, सिंथेटिक बाल है इनके। किस प्रकार के ब्रश से हम मिक्सिंग वर्क वाली रियलिस्टिक पेंटिंग
और मॉडर्न पेंटिंग, ज्यादातर रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वाटर कलर में भी आप यूज कर सकते हो, ऑयल कलर में भी यूज कर सकते हो। उसी तरह इसी वेराइटी में आप ये ब्रश देखिए, कट राइटिंग की तरह आप इनको कट राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेंटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऑयल कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब विद्यार्थियों आप इन ब्रश को देखिए, ये अलग वेराइटी के ब्रश है, ये सूअर के बारीक बाल है, ये ऑयल पेंटिंग वाटर कलर पेंटिंग दोनों में इस्तेमाल होते हैं, साथ ही आप लेटर राइटिंग में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। विद्यार्थियों ये सिंथेटिक ब्रश देखिए आप, ये सिंथेटिक ब्रश है सॉफ्ट बाल वाले, इनका इस्तेमाल भी आप वाटर कलर और ऑयल कलर दोनों में बराबर प्रयोग कर सकते हो। अब फ्लैट ब्रश के बाद में विद्यार्थियों मैं आपको राउंड ब्रश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये राउंड ब्रश है, ये सिंथेटिक बाल वाले सारे, जनरली स्टील लाइफ या लैंडस्केप पेंटिंग बनाते हैं उनके लिए इन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। रियलिस्टिक पेंटिंग में भी इनका प्रयोग किया जाता है, मॉडर्न पेंटिंग में भी आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वाटर कलर में इनका इस्तेमाल होता है। विद्यार्थियों ये अलग वेराइटी के ब्रश है, शायद ये आपको बाजार में अभी मिल पाएंगे, ये लगभग आज से 20 साल पहले मैंने मार्केट से खरीदे थे, जिनका प्रयोग मैं आज तक करता रहा हूँ। विद्यार्थियों ये लॉन्ग साइज के जो ब्रश है, ये गिलहरी के बाल है, आप देखिए गिलहरी की पूंछ के बाल है। इन ब्रश से आप लैंडस्केप पेंटिंग में भी काम कर सकते हो, साथ ही साइन बोर्ड और कांच के ऊपर लेटर राइटिंग के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। विद्यार्थियों बारीक साइज के राउंड ब्रश देखिए आप, दोनों माध्यम में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग साइज के अनुसार आपको अलग अलग ब्रश यूज करना है, कहाँ कौन सा काम करना है, किस प्रकार का काम करना है, किस तरह का ब्रश यूज करना है, तो इस तरह के आप ब्रश यूज कर सकते हो। ब्रश के बारे में विद्यार्थियों मैं आपको कलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कलर, वाटर कलर आप देखिए, ये वाटर कलर टिकड़ी वाली साइज की वाटर कलर है। यह कलर स्टील लाइफ बनाने के साथ साथ लैंडस्केप पेंटिंग, लाइफ स्टडी या किसी प्रकार की पेंटिंग आप इनसे बना सकते हो। इनके लिए जनरली सॉफ्ट ब्रश यूज किए जाते हैं वाटर कलर वाले, फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ज्यादातर राउंड ब्रश यूज किए जाते हैं। विद्यार्थियों इस तरह के वाटर कलर के इम्प्रेशन देने के लिए हम आर्टिस्ट कलर के साथ साथ स्टूडेंट कलर भी खरीद सकते हैं, साथ ही ट्यूब में वाटर कलर बाजार में उपलब्ध है, वो भी आप खरीद सकते हैं। वाटर कलर के रूप में विद्यार्थी हम बात करते हैं पोस्टर कलर की, जनरली इजीली बाजार में मिल जाते हैं, ये पोस्टर कलर है जिनसे आप मिनिएचर पेंटिंग बना सकते हो, ये भी पोस्टर कलर है। मिनिएचर पेंटिंग बनाने के साथ आप मॉडर्न पेंटिंग में यूज कर सकते हो, इनको मिक्सिंग नियम में यूज कर सकते हो। विद्यार्थियों इनके ब्रश में अलग यूज रखता हूँ, यूज करने के लिए अलग से रखता हूँ, ताकि इनको साफ करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। विद्यार्थियों अब आप ये देखिए, ये पेस्टल कलर है, ये भी पेस्टल कलर है, आप इनका इस्तेमाल भी किसी भी धरातल पर कर सकते हो, इनका इंप्रेशन अलग अलग आता है, टेक्सचर अलग आते हैं। अब आप पेस्टल में देखिए, सॉफ्ट पेस्टल, ये सॉफ्ट पेस्टल है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनसे पेंटिंग बनाने के बाद में हमको टिकापन देने के लिए स्प्रे करना पड़ता है। अब विद्यार्थियों मैं आपको वाटर कलर में ही एकली कलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये एकली कलर देखिए, ये देखिए आप एकली कलर, आर्टिस्ट एकली कलर है, इनमें एक विशेष सावधानी की बहुत जरूरत है हमको। जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई भी कलर यूज करते हैं, प्लेट में निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से बंद करके रखना जरूरी है, अन्यथा ये सूख जाएंगे, क्योंकि इनको पानी में मिला के प्रयोग किया जाता है।
आप इनकी बड़ी साइज की ट्यूब देखिए, अलग अलग वेरायटी की, इससे बड़ी भी मार्केट में मिलती है। इसके अलावा इनके बड़े पैक जो डिब्बे के रूप में बाजार में उपलब्ध है, आप वो भी ला सकते हो। विद्यार्थियों, एकले कलर से काम करने के लिए भी हमको अलग से ब्रश रखने पड़ेंगे। जनरली इनको पानी से धोया जाता है और पानी से साफ करने के बाद में रखा जाता है। अगर आप इन्हीं ब्रश को ऑयल कलर में यूज करोगे तो पानी और ऑयल का मिक्सर इनमें ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा और ये डैमेज हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये अलग से रख सकें। जब मैं एकले कलर से काम करता हूँ तो इन ब्रश को इस्तेमाल करता हूँ, और जब मैं ऑयल कलर से काम करता हूँ, विद्यार्थियों ये आप ऑयल कलर देखिए, तो हम मैं इन ब्रश को यूज करता हूँ। ये देखिए अलग अलग साइज के ब्रश से जिस प्रकार की मेरे को पेंटिंग बनानी पड़ती है, उसी प्रकार की पेंटिंग के अनुरूप या पेंटिंग की साइज के अनुरूप मैं ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। विद्यार्थियों, मार्केट में आपको इस तरह शेप भी मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। ब्रश के साथ साथ विद्यार्थी आप ट्यूब देखिए, छोटी साइज की ट्यूब, आर्टिस्ट ऑयल कलर, स्टूडेंट कलर भी बाजार में उपलब्ध है। छोटी ट्यूब के बाद में आप मीडियम साइज की ट्यूब देखिए, ये इस तरह कलर में, ये सब डिब्बों में कलर है। ये देखिए आप, ये बड़ी साइज की ट्यूब, इससे भी बड़ी आपको बाजार में मिल जाएगी। विद्यार्थियों, ऑयल कलर से काम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल बखूबी ढंग से कर सकते हो। इसमें आप लिंसिड ऑयल रख सकते हो, इसमें टर्पेंटाइन ऑयल या मिट्टी का तेल, ये मिट्टी का तेल है विद्यार्थी, और टर्पेंटाइन ऑयल के रूप में आप ये देखिए, ये टर्पेंटाइन ऑयल है। इससे आप ब्रश को आसानी से साफ कर सकते हो। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आप पेंटिंग में विभिन्न प्रकार के टेक्सचर देने के लिए कलर को पतला कर सकते हो। जनरली कलर पतला करने के लिए लिंसिड ऑयल का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा होता है, कलर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जा सकता, विभिन्न प्रकार के बारीक टेक्सचर नहीं दिए जा सकते। इसलिए हमको अगर कलर को भाते हुए यूज करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग है बॉटल, आप देखिए इनका। साथ ही विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ, वार्निश, प्योर वार्निश। आप ये देखिए, पेंटिंग में आपको बहुत अधिक शाइनिंग लानी है तो आप वार्निश का प्रयोग कर सकते हो। इसको पेंटिंग को जल्दी सुखाना है तभी आप वार्निश का प्रयोग कर सकते हो। अब विद्यार्थियों, मैं आपको विभिन्न प्रकार की शीट के बारे में बताने जा रहा हूं। आप देखिए शीट, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको काटाई शीट, सिंपल जो बाजार में मिल जाती है, इसमें मैंने ड्राइंग बनाई थी, आप इसको देखिए, ये पतली साइज की, इस पे इतने अच्छे टेक्सचर नहीं लगे क्योंकि शीट की क्वालिटी के अनुसार उसके विभिन्न प्रकार के टेक्सचर दिए जा सकते हैं। ये बारीक साइज की शीट है विद्यार्थियों, अगर अच्छी क्वालिटी में आप हम काम करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के रूप में मैं आपको काटा शीट में, ये देखिए आप इसकी मोटाई देखिए, इसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। आप किसी भी प्रकार के इसमें ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, वाटर कलर से भी काम कर सकते हैं आप, इसमें एकले कलर से भी काम कर सकते हैं। शीट में विद्यार्थी नई वेरायटी की शीट है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये चिकनी शीट है। देखिए जनरली मिनीचर पेंटिंग बनाने के साथ साथ पोस्टर बनाना हो तो आइवरी शीट का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही चिकनी शीट है ये, वाटर कलर और पोस्टर कलर या एकलिक, इन माध्यम आप काम सकते हैं। विद्यार्थी ऑयल शीट है, ये आगे वाला जो हिस्सा है इसमें ऑयल कलर से काम किया जाता है, पीछे वाला हिस्सा इस पर काम नहीं किया जाता, आप इसे इसे ध्यान रखिए। जनरली विद्यार्थी क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऑयल कलर करते हैं तो कलर इसके चिपक जाता है, जबकि काम इधर किया जाता है। विद्यार्थियों, ऑयल में दूसरी वेरायटी शीट दिखाता हूँ, ये भी ऑयल शीट है, ये मोटी है, इसमें इंप्रेशन थोड़ा अच्छा आता है। इसी तरह विद्यार्थियों, मैं आपको वाटर कलर में पूना एडवेट शीट के बारे में बताने जाता हूँ। आप ये शीट देखिए कितनी मोटी है, इसके चेक्स देखिए आप, यह शीट ज्यादातर लैंडस्केप पेंटिंग बनाने में प्रयोग में लाई जाती है, साथ ही
इस पर अगर स्टिल लाइफ बनाए या किसी प्रकार का कोई मॉडल बनाए तो वाटर कलर से आप बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं। पुनः शीट में विद्यार्थियों अनेक प्रकार की वेरायटी मिलती बाजार में। ये मोटी शीट थी, उसी तरह ये बारीक शीट है। इसमें बारीक चेक से आप देखिए, बिल्कुल बारीक चेक से, ये अलग वेरायटी की शीट है। इस पर भी आप वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर से काम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इंप्रेशन वाटर कलर का बहुत अच्छा होता है। साथ ही आप इस पर बहुत अच्छी ड्राइंग भी बना सकते हो, बहुत अच्छे टेक्सचर दे सकते हो। विद्यार्थियों पुनः एडमिट में अलग वेरायटी की शीट हो रही मेरे पास। ये मोटी शीट है, इसके चेक्स अलग है। उसी तरह बाजार में आपको ब्लैक शीट भी मिल जाएगी जिसमें आप वाटर कलर से काम कर सकते हो। विद्यार्थियों ये ब्लैक शीट है, इसके अलावा पोस्टर कलर से काम कर सकते हो आप। इस पर शीट के बारे में विद्यार्थियों मैं आपको कैनवास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैनवास के आप कपड़े देखिए, विभिन्न प्रकार के मार्केट में आपको कैनवास के कपड़े मिल जाएंगे। ये देखिए आप, इस कपड़े के चेक्स अलग स्टाइल के, सॉफ्ट कपड़ा है। उसके अलावा इस कपड़े के चेक्स अलग स्टाइल के हैं। विद्यार्थियों ये कपड़ा मोटा है, इसके चेक्स बारीक है और बहुत ही कड़क है, मोटाई भी ज़्यादा है इसकी, बहुत मजबूत कपड़ा है। हल्की वेरायटी में आप कपड़ा देखिए, ये सॉफ्ट कपड़ा, जो बारीक काम करना हो आपको उसके लिए यूज कर सकते हो आप। इस तरह ये अलग अलग वेरायटी के कपड़े हैं और इन कपड़ों को आप इस तरह फ्रेम में लगा कर, ये मशीन है, इस मशीन से आप पिन लगाकर कपड़े को फ्रेम कर सकते हो। विद्यार्थियों फ्रेम तैयार करने के बाद में आपको पेंटिंग करने लायक जो कैनवास तैयार किया जाता है उसके लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। सबसे पहले आप देखिए टेक्सचर वाइट, टेक्सचर वाइट है, साथ ही ये फेविकोल है, परमानेंट फेविकोल। इसके अलावा मैं एक चीज़ और यूज करता हूँ इसमें, इस सामग्री को देखिए आप, इन तीनों का मिश्रण करके मैं जो ये कपड़े हैं फ्रेम पर लगाए जाते हैं उसको बारी बारी से पोत कर इस तरह फ्रेम तैयार किया जाता है। इस तरह आपका फ्रेम तैयार हो जाएगा, इस पर आप रेखांकन करके पेंटिंग बना सकते हो। तो विद्यार्थियों जो घोल बनाया जाता है या कैनवास तैयार करने की जो टेक्निक है उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस तरह तैयार नहीं करना चाहते हो तो मार्केट में कंप्लीट बने बनाए कैनवास आपको बाजार में विभिन्न साइज में मिल जाएंगे, उन पर आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो। अंत में मैं कहना चाहूँगा विद्यार्थियों जो कला की सामग्री के बारे में मैंने आपको बताया ये सब कुछ है, ये बाजार में सब जगह उपलब्ध है। आप अपनी स्वेच्छा से आपकी इच्छा के अनुसार जिस माध्यम में आप काम करना चाह रहे हो, जिस वेरायटी के आप ब्रश यूज करना चाह रहे हो, जिस वेरायटी के आप कलर यूज करना चाह रहे हो, इजीली आप ला सकते हो और इनका इस्तेमाल करो और अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाओ। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कॉल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।